एक ऐसा पर्वत जिसकी चोटी सिर्फ उन लोगों को ही दिखाई देती है जो भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करता है उसे इस पर्वत की चोटी पर उनकी आकृति दिखाई देती है, और वो भी ज्योति स्वरूप में। इस अद्भुत दृश्य के दर्शन करने वाले लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की तरह ही ये पर्वत भी अजय है और जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। ये पर्वत इतना रहस्यमय है कि जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हमारे भारत में रहने वाले भारतवासी हमारे देश और विदेशों में कौन कौन सी घूमने की जगह है इसके बारे में भली भांति जानते हैं, परंतु हमारे भारत देश में कैलाश, मानी महेश, किन्नौर कैलाश और श्रीखंड की यात्राएं ऐसी है जिसे अगर कोई एक बार कर ले तो उसे और कोई भी जगह रोमांचित नहीं करेगी। और अद्भुत टीम इंडिया की यही कोशिश है कि आप सभी देशवासियों को इन दुर्लभ जगहों से अवगत करवाएं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव से जुड़े देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जो भोलेनाथ के चमत्कारों के जीते जागते सबूत है। यूं तो देश की ज्यादातर पहाड़ियों में कहीं ना कहीं भगवान शिव का कोई स्थान मिल जाएगा, लेकिन भगवान शिव के निवास के रूप में सर्वमान्य कैलाश पर्वत के भी एक से ज्यादा प्रतिरूप पौराणिक काल से धार्मिक मान्यताओं में स्थान बनाए हुए हैं। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत को सृष्टि का केंद्र कहा जाता है। वहां की यात्रा आर्थिक, शारीरिक व प्राकृतिक रूप से हर लिहाजे से दुर्गम है। उससे थोड़ा ही पहले भारतीय सीमा में पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश या छोटा कैलाश है। इस तरह एक और कैलाश हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में है। ये दोनों कैलाश भी बड़े कैलाश की तरह ही भगवान शिव के निवास स्थान माने जाते हैं और इनका पौराणिक महत्व उतना ही बताया जाता है। हिमाचल प्रदेश के चांबा नगर से मात्र 85 किलोमीटर दूरी पर बसा है मणि महेश। चांबा को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ियों में निवास करते हैं। हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस मनोरम शैव तीर्थ की यात्रा करते आ रहे हैं। यहाँ मणि महेश नाम से एक छोटा सा पवित्र सरोवर है जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदू आस्था में तिब्बत मानसरोवर झील के बाद मणि महेश झील को पवित्र झील माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि मणि महेश पर्वत का शिखर अदृश्य है, ये हमेशा बादलों व बर्फ से ढका रहता है। ये चोटी महज उसी को दिख सकती है जो पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो व सच्ची श्रद्धा से भोले भंडारी को याद कर रहा हो। इस जगह का नाम मणि महेश क्यों पड़ा, इसके पीछे एक विशेष कारण है। विद्वानों के अनुसार पर्वत के शिखर पर भगवान शिव शेषनाग मणि के रूप में विराजमान है। सुबह की पहली किरण जब मणि महेश पर्वत के पीछे से फूटती है तो पर्वत शिखर के कोने में एक अद्भुत प्राकृतिक छल्ला बन जाता है। ये दृश्य किसी बहुमूल्य नगीने की भांति होता है। इस दृश्य को देखकर शिव भक्तों की थकावट क्षण भर में दूर हो जाती है। मणि महेश कैलाश पर्वत उन बिरले पहाड़ियों में से एक है जो आज भी अजय है। इस पर चढ़ने की तमाम कोशिशें नाकाम तो हुई ही, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इस पर्वत से जुड़ी किंवदंतियों और इसके अविजित होने के रहस्य से अब पर्दा उठने लगा है। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों की राय में इस पर्वत की जटिल संरचना और यहाँ का भौगोलिक वातावरण ही इसे अजय बनाता है। सन 1968 में भारत जापानी महिलाओं के एक दल ने नंदिनी पटेल की अगुवाई में मणि महेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भूस्खलन शुरू हो गया जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। बाकी के लोग मुश्किल से जान बचा पाए। इटली के दल ने भी सन 1965 में चढ़ाई की कोशिश की थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से ये अभियान भी कामयाब नहीं हो पाया। जो कोई भी इस पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्ष पहले एक गरड़िया अपने कुछ भेड़ों के साथ मणि महेश पर्वत पर चढ़ रहा था। वो शिखर पर पहुंचने के पहले ही भेड़ों समेत पत्थर का बन गया। कहा जाता है कि आज भी मणि महेश पर्वत पर वे सभी छोटे छोटे पत्थर के रूप में मौजूद हैं। मणि महेश झील के एक कोने में भगवान शिव की एक संगमरमर की छवि है।
जो तीर्थयात्रियों द्वारा पूजी जाती है। पवित्र जल में स्नान के बाद तीर्थयात्री झील के परिधि के चारों ओर तीन बार जाते हैं। झील और उसके आसपास एक शानदार दृश्य दृश्यमान होता है। झील के शांत पानी में बर्फ की चोटियों का प्रतिबिंब छाया के रूप में प्रतीत होता है और जिसे देखकर यहां आने वाले श्रद्धालु भाव विभोर होकर भगवान शिव का गुणगान करने लगते हैं। दोस्तों, वैसे तो मणिमहेश पर्वत के बारे में जितना भी कहूं वो कम होगा। अगर मौका मिले तो अपने जीवन में एक बार मणिमहेश की यात्रा जरूर कीजिएगा, खासकर वे लोग जो अपने पांव के दम पर कठिन से कठिन यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत दुर्गम इलाके में मौजूद है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बोलिएगा। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो बनाने का एफर्ट आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने कभी मणिमहेश की यात्रा की है तो इससे जुड़े जो भी अनुभव आपके पास है वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर जो है वो जाना चाहते हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिले यहाँ की यात्रा करने में। और दोस्तों, अपने जीवन काल में एक बार मणिमहेश की यात्रा ज़रूर कीजिएगा, और वो इसीलिए क्योंकि ये जो जगह है बहुत दुर्लभ जगह पर स्थित है, और इसके लिए आपके पांव शरीर बहुत स्वस्थ होना ज़रूरी है, और बाकी तो महादेव की इच्छा होती है। जिनके पांव में प्रॉब्लम होती है, जैसे शरीर कष्ट से भोग रहे थे, वो भी महादेव के पास चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब तक यंग हो, जब तक पांव में दम है, शरीर में दम है, इन दुर्लभ जगहों यात्रा कीजिए, और इनसे मिले जो भी अनुभव है आपके पास जो आएंगे वो मरते दम तक आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।